आज हम पढ़ेंगे हिंदी में वर्णों का सार्थक समूह। हिंदी सब्जेक्ट है जो कंपटीशन एग्जाम में आने वाला है। ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है जो हमारे, तो छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कर दें। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है जो सह अर्थक माना जाता है, जैसे कि कमल। तो ये सह अर्थक, तो व्याकरण पूर्णतया की दृष्टि से भाषा की सबसे बड़ी इकाई है वाक्य कहलाता है। व्याकरण पूर्णतया की दृष्टि से भाषा की सबसे बड़ी इकाई है जो वाक्य कहलाता है। अर्थ के आधार पर भाषा की छोटी इकाई है हमारी, जो कि शब्द कहलाता है। वाक्य बड़ी इकाई है और शब्द हमारी छोटी इकाई है। अर्थ के आधार पर भाषा की छोटी इकाई शब्द है। शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। इम्पोर्टेंट पर्सन है जो कंपटीशन एग्जाम में आने वाले हैं। वर्णमाला, वर्णमाला वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। विदेशी स्वर, जो कि मेहमान स्वर या गृहित स्वर, इसका चिन्ह एक बिंदु की तरह होता है जो कि अर्धचंद्रकार बिंदु होता है। जैसे अर्धचंद्रकार बिंदु तो हमारा अंग्रेजी भाषा का शब्द है, जैसे डॉक्टर, कॉलेज विदेशी शब्द है। तो ये आपको छोटी सी वीडियो अच्छी लगी तो नेक्स्ट वीडियो आगे मिलेंगे। तो पहले सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कर